खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में एक ऐसा सोशल अवेयरनेस गेम सेंटर है जहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी गेम्स को एंजॉय करते हैं। इस गेम जोन में गेम्स को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आपने गेम जोन्स बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे गेम जोन में लेकर आए हैं जहां आपके बच्चे न सिर्फ खेलेंगे बल्कि उन्हें अवेयरनेस भी मिलेगी। और कल्चरल क्रिएटिवली एंड कॉन्शियसनेस सेंटर नाम है इस गेम जोन का, और उसके ठीक ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा फोर सीज नज़र आ रहे होंगे। इस फोर सीज के मायने क्या हैं और किस पर्पज़ से ये गेम जोन ओपन किया गया है, और बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट क्या सोच कर यहाँ लाया गया है। मेरे साथ इसके ऑर्गेनाइज़र हैं मनीष ग्रोवर जी, पेशे से पायलट हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपने गेम जोन ओपन किया है बहुत ही यूनिक है, तो क्या पर्पज़ था इस तरह का ओपन करने का? यूनिक तरीका सोचा कि हम कुछ ऐसा गेम जोन लेके आएँ जो टोटली गैजेट फ्री हो। तो एक पर्पज़ ये है कि बच्चे गैजेट से दूर रहें, दूसरा पर्पज़ ये है कि आजकल फैमिली टाइम ख़त्म होता जा रहा है, सभी अपने अपने गैजेट्स में लगे रहते हैं, माँ बाप अपने फ़ोन में हैं, बच्चों को अपने फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो हम ऐसी एम्बियंस क्रिएट करना चाह रहे थे कि जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक साथ आके खेले। तो हमारी जितनी गेम्स हैं वो सारी ऐसी हैं जो फिज़िकली प्लेबल हैं, जिसके अंदर कोई गैजेट्स नहीं है और कोई वीडियो गेम्स नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको 6 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी इंसान खेल सकता है। बहुत अच्छी बात है, 6 साल से लेकर 60 साल तक का इंसान इस गेम्स को खेल सकता है। और अंदर क्या कुछ नया मिलेगा आपके बच्चों के लिए, वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। तो सर, अंदर चलें, देखें क्या कुछ नया मिलने वाला है। आइए सर। तो मनीष ग्रोवर के साथ एंट्री हमने कर ली है। फर्स्ट जो सेक्शन है, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। जो बाहर मैंने आपको दिखाया था फोर सीज, उनका मतलब यहाँ लिखा हुआ है चीकू, चीनी, चंपू, चिंटू, ये आप देख पाएंगे। और साथ ही आपको कुछ चीज़ें और यहाँ नज़र आएंगी। मनीष जी समझेंगे क्या कुछ है ये, इसके बारे में। जी, एक्चुअली फोर सी जैसे हमारी कंपनी का नाम है जो हमने रखी है गेम जोन, इसका नाम है कल्चरल क्रिएटिविटी एंड कॉन्शियसनेस सेंटर। ये आइडिया मेरा भी था और मेरी वाइफ ऋतु ग्रोवर हैं, शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर। ये सारा का सारा इन्होंने खुद ही सेट किया है। तो ये इसका पर्पज़ इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आर इंडियन कल्चर, टू एनहेंस क्रिएटिविटी अमंग्स चिल्ड्रन, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज़। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा कल्चरल क्रिएटिविटी कॉन्शियसनेस सेंटर। क्या बात, यहाँ कुछ चीज़ें नज़र आई है, रेड लाइट जैसा है और डस्टबिन बॉक्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप एक बार जी। तो हमने अपने इस 4C को एक फेस देने के लिए ये 4 कैरेक्टर्स क्रिएट किए। ये चारों के चारों कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो हमने स्पेसिफिकली यहीं पर क्रिएट किए हैं, लेकिन ये कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें एक सोशल मैसेज देते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल है जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर हमारा सेकंड कैरेक्टर है डस्टबिन, जिसका हमने नाम रखा है चंपू। ये हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि हमें डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी कहते हैं, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, लेकिन हम उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने अपनी गेम्स के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें क्लीनलीनेस रखनी चाहिए और डस्टबिन को यूज़ करना चाहिए। तीसरा हमारा कैरेक्टर है वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हमने छोटा नाम दिया है चिनी। ये जो है हमें प्रेरणा देता है कि हमें इसको बचाने की आवश्यकता है। और चौथा कैरेक्टर है हमारा ट्री, इसका नाम है चीकू। इसको भी हमारा पर्पज़ यही है बताने का कि वी शुड ग्रो मोर ट्रीज टू सेव आर एनवायरनमेंट। कैबिन बनाया गया है, एक LED भी नज़र आ रही है, कुछ 3 लाइटें यहाँ नज़र आ रही हैं, ये सब ये क्या है? अच्छा, ये गेम हमारी जो है ये एक हमें इंस्पायर करती है टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल।
तो जैसे बचपन में हम रिंग्स के साथ डाल के गेम खेला करते थे, जैसे मेलों में भी गेम्स होती हैं जिसके अंदर हम रिंग डालते हैं और कुछ इनाम मिल जाता है, उसी को पर बेस्ड हमने ये गेम बनाई है जिसका नाम है हेल्थ व्हील। ये हमने एक हेल्थ व्हील बनाया है और ये 8 हेल्दी टिप्स रखी हैं जिससे हम अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे रिंग्स रखे हैं और अलग अलग कलर्स को उनमें बनाया है, तो आपको ये रिंग्स लेके एंजॉय करने हैं, कलर के अंदर उसी कलर के अंदर डाल के वो अचीव करना है। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनी लाइफ में इस रिंग के साथ अडेप्ट करिए। तो एक खेल खेल में ये सिखाना चाहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है, और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ में अडेप्ट करके हम जो है एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। ग्रोवर जी की वाइफ भी हमारे साथ हैं। मैम बता रहे थे सर कि आपके मन में ये आइडिया आया था, तो ये यूनिक आइडिया आया कैसे आपके मन? ये आइडिया आया क्योंकि घर में ही मैं देख रही थी बच्चे सारा दिन गैजेट्स में रह रहे थे, और छोटे छोटे इवेंट्स इसीलिए हमने सोसाइटी में कराए कि हम अपना सोसाइटी में क्लीनलीनेस कराया, सोसाइटी में हमने बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट कराया। तो हमने ये दोनों चीज़ों को कंबाइन किया कि बच्चों को गैजेट्स से हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको बाकी एक्टिविटीज़ में डालेंगे तो उनका काम जो है वो गैजेट्स में कम रहेगा, उनका इंटरेस्ट कम रहेगा गैजेट्स में। तो वो बच्चे भूल रहे हैं आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट करना, गार्डनिंग करना, ये सब हम उनको बच्चों को फिर से उस चीज़ में डालेंगे तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा टाइम गैजेट से हटके और इस चीज़ में लगेगा। यही पर्पज़ था हमारा। गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, आपके बच्चे फ़ोन में जब गेम्स खेलते हैं तो उसके आँखों पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कई और नुकसान भी होते हैं उसके, और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और एक और चीज़ ग्रोवर जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, इसकी हम बात कर रहे हैं, इस ये जो आपने प्रीमाइसेस बनाई हुई हैं, जो लाइटें नज़र आ रही हैं ये क्या है? ये एक बड़ी यूनिक सी गेम है। जैसे हमारी सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देना चाहती है, ये गेम हमने उसी के ऊपर बेसिस पे बनाई है, विच इज़ बेसिकली अबाउट गर्ल चाइल्ड। ये बड़ी यूनिक सी गेम है। ये हम इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जो हमारी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, जो हमारी बुराइयाँ हैं हमारे समाज में अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, हमें उनको छोड़ के अपनी छोटी बच्चियों को हायर एजुकेशन देने की ज़रूरत है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, हमें छोटे बच्चों को लड़कियों को गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल वुमेन। तो उसके लिए हमने एक बड़ी यूनिक सी गेम बनाई है ये सिखाने के लिए, ये एक संदेश देने के लिए, इसको हम एक गर्ल चाइल्ड की तरह समझते हैं। तो हमने एक ये डिवाइस यहाँ पे बनाई है गेम, इसको हम ऐसे करते हुए गर्ल चाइल्ड को सभी बुराइयों से बचाते हुए और हम लेके जाते हैं ऊपर और उनको एक हायर एजुकेशन देने के लिए, ये ऐसे एक टारगेट बेस रखता है। सो दिस इज़ गिविंग अ मैसेज दैट वी शुड प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड फ्रॉम ऑल दीज इविल्स एंड गिव हर हायर एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। तो ये बच्चों को हम खेल खेल में सिखाना चाहते हैं कि, और बड़ों को भी सिखाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि पूरी फैमिलीज आएँ और इस बात को सीखें कि गर्ल चाइल्ड के लिए भी हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े जवान और बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको यूनिक मिलने वाला है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स यहाँ पर तैयार की गई हैं और बिल्कुल यूनिक आइडिया है, और खेलने के साथ साथ एंजॉय करने के साथ साथ आपको काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को भी मिलेगा। आगे आपको काफ़ी सारे बच्चे यहाँ नज़र आ रहे होंगे एंजॉय करते हुए, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एंजॉय करने के साथ साथ खेलने के साथ साथ कुछ सीखे, तो एक बार इस गेम जोन में ज़रूर लेकर आएँ। मनीष जी एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो बीच का पोर्शन है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअली एक हमने गोल्फ गेम तैयार की है, लेकिन इसको भी हमने एक सोशल मैसेज के साथ तैयार किया है। दिस गेम हैज़ गॉट प्योर मिनी गोल्फ पुट इन। अब आप यहाँ पे हमने उसको एक इस आइडिया से तैयार किया है कि ये जो गेम है इसके अंदर हम दो तरह की बॉल देते हैं, एक ग्रीन बॉल और एक ब्लू बॉल। जैसा कि हम आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान हमने चलाना है, तो हमने क्या किया है इसके अंदर डस्टबिन रखे हैं और बच्चों को हम गोल्फ स्टिक देते हैं और साथ में गोल्फ बॉल देते हैं। हम उनको ये सिखा रहे हैं कि गोल्फ बॉल में अगर आपने ब्लू बॉल ली है तो वो आप ब्लू की तरफ लेके जाइए, और अगर ग्रीन बॉल ली है तो ग्रीन डस्टबिन की तरफ लेके जाइए। और वो इसको खेल खेल में ये सीखते हैं कि हमें गीला कचरा जो है वो गीले डब्बे में डालना है और सूखा कचरा सूखे डब्बे में डालना है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर इन टू ग्रीन डस्टबिन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन ब्लू डस्टबिन। दैट्स ग्रेट। तो यहाँ भी एक अलग ही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, और भी चीज़ें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कैमरामैन से कहूँगा ये जो पोर्शन है ये दिखाए हमारे दर्शकों को, एयर अवेयर
इसमें कुछ अलग ही चीज़, अलग ही डिज़ाइन नज़र आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं दोबारा से मनीष सर से कहूँगा कि बताएं कि ये क्या चीज़ है। जी जी, ये एक्चुअली गेम है हमारी विच इज़ ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन, इसीलिए हमने इस गेम का नाम रखा है एयर अवेयर। तो ये हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया है, दिल्ली में आज आपको पता होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेंजरस लेवल के ऊपर है, वेरी अनहेल्दी लेवल पे है और हमेशा ही ऐसे रहता है जबकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगाए हैं कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ा सा यूनिक सा पोस्टर है जो मेरी वाइफ ने डिज़ाइन किया था, वो कहती हैं कि कार क्रिएट्स पोल्यूशन वेयर एज बाइक गिव्स यू सोल्यूशन। सो ये पोल्यूशन और सोल्यूशन का एक पोस्टर लगा हुआ है। उसके अलावा हमने यहाँ पे और पोस्टर लगाए हैं जो कहते हैं कि हमें ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए और कार पुलिंग करनी चाहिए, जिससे गाड़ियाँ कम होंगी तो उससे एयर पोल्यूशन कम होगा। लेकिन खेल खेल में हम इसको बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, उसके लिए हमने एक बड़ी डार्ट गेम रखी है। ये हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने अलग अलग कलर्स दिए हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिनोट करते हैं, बच्चों को ये बताने के लिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ऑप्टिमम इंडेक्स है वो ग्रीन कलर में है। तो हमने ये डार्ट गेम रखी है जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि वो डार्ट लें और ग्रीन कलर को टारगेट करें, ऐसे करके वो ग्रीन कलर को टारगेट करते हैं और सारे 9 के 9 ग्रीन टारगेट करते हैं, तो वो बच्चे जो हैं उससे सीख जाते हैं खेल खेल में कि हमारे लिए ऑप्टिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है, अलग अलग तरह के यहाँ पर जो है पोस्टर्स आपको नज़र आएंगे, हर पोस्टर पर एक अलग सोशल मैसेज दिया गया है जिसे आपका बच्चा देखेगा और सीखेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली यहाँ पर गेम भी चलते रहेंगे, इस तरह से निशाना लगा सकते हैं। मुझे तो निशाना लगाना नहीं आता है लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ, रेड पर जाकर लगा है। तो द्वारका सेक्टर 11 की मार्केट में इस वक्त हम बने हुए हैं, गेम जोन में इस वक्त हम पूरी कवरेज दे रहे हैं, जहां तरह तरह की अलग अलग गेम्स आपको नज़र आ रही होंगे। आपके बच्चे न सिर्फ यहां पर एंजॉय करेंगे बल्कि काफ़ी कुछ सोशल चीज़ें उन्हें सीखने को भी मिलेंगी। और मनीष जी हमारे साथ 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 बने हुए हैं, सभी जितने भी गेम्स की कैटेगरीज यहाँ पर हैं सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक नई गेम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एविल्स इसमें लिखा हुआ है, और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो भी बिल्कुल अलग ही तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और मैं कहूँगा मनीष जी से वो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर जी, ये भी एक हमने गेम डिज़ाइन किए है बेसिकली विच एक्सप्लेन्स देर आर लॉट ऑफ सोशल इविल्स इन आर सोसाइटी, सो वी आर नॉट एड्रेसिंग बिग सोशल इविल्स लाइक रिलीजन, कास्ट, वी डोंट वॉन्ट टू टच दैम, बट वी वॉन्ट टू टच प्रैक्टिकल सोशल इविल्स विच आर प्रेवलेंट, जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट करके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे है लिटरिंग, गंद फैलाना, हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सफाई नहीं रखती है, लेकिन गंदा कौन करता है, हम लोग करते हैं, तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें गंदा नहीं फैलाना है। वाटर वेस्टेज, आज हम इस कगार पे खड़े हैं कि कुछ सालों के बाद शायद पानी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें पानी बचाने की आवश्यकता है। एयर पॉल्यूशन है, उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट करके, आपको पता होगा दिल्ली में 86% बच्चे जो हैं आज किसी न किसी चेस्ट कंजेशन की वजह से शिकार हैं, तो हमें उसके अंदर थोड़ा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि हमें एयर पोल्यूशन में पार्टिसिपेट करके एयर पोल्यूशन को कम करना है। गैजेट एडिक्शन, सारा दिन गैजेट्स में लगे रहना हैज़ बिकम अ सोशल इविल टुडे। आज हर पेरेंट परेशान है कि उनके बच्चे खाली गैजेट्स में लगे हुए हैं, तो उसको भी हमें छोड़ना है और फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेम्स आपको इस गेम जोन में नज़र आ रही हैं, बच्चों के लिए बहुत ही क्रिएटिविटी आपको यहाँ नज़र आएगी, अवेयरनेस है और साथ ही साथ सोशल मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि जैसे कि बताया कि 60 साल की उम्र तक के लोग यहाँ इंजॉय कर सकते हैं और वो भी बहुत ही किफ़ायती फीस में। मैम आप आर यू प्लेइंग गेम? यहाँ तो 80 साल का आदमी भी इंजॉय करेगा। सो ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? इट्स ए गुड थिंग, अच्छी गेम्स हैं यहाँ पे, बच्चे आके काफ़ी कुछ सीखेंगे, ब्रेन गेम्स भी हैं, क्रिएटिव भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे। व्हाट वुड यू लाइक टू से? नो, इट इज़ वेरी गुड, समथिंग वेरी न्यू इन द्वारका, वेरी यूनिक एंड ऑल द एज ग्रुप पीपल कैन एंजॉय हियर। All the age group people. Okay, ma'am, how are you? Everybody can enjoy here. Yeah, so are you enjoying the games here? I love it. As मैं बार बार अपने parents को बोलती रहती हूँ कि मेरे को 4C ले जाओ, मेरे को 4C ले जाओ, मेरे को बहुत मज़ा भी आता है इधर और मेरे को यहाँ से बहुत नॉलेज भी मिलती है, सो आई रियली लव इट। क्या कुछ सीखने को मिलता है आपसे? बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन्वायरमेंट के बारे में, बिकॉज आई लव नेचर, तो इस एक तो ये प्लस पॉइंट है कि आई लव नेचर, दैट्स व्हाई आई कम है, सो आई लव ग्रीनरी आल्सो, सो आई लव, मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाता है। सेक्टर 11 का ये फोर्सेस गेमिंग सेंटर 6 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए एंजॉयमेंट की सर्वश्रेष्ठ जगह है,
यहाँ बच्चों के लिए खेलने के साथ साथ सोशल अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए निखिल के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।